रामपुर में भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किए जाने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारी अधिवक्ता और कर्मचारीगण आदि को संविधान में दिए गए मूल कर्तव्यों का पालन करने और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी से संबंधित शपथ दिलाई गई। जिलाधिकारी अनंजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित भव्य गोष्ठी में अधिकारियों और अधिवक्तागणों ने संविधान के मूल कर्तव्य से सभी को अवगत करवाया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि भारतीय संविधान के रचनाकारों ने संविधान को जिस रूप में बनाया है वह अतुलनीय है। संविधान की प्रस्तावना संविधान की मूल धारणा को व्यक्त करती है, इसलिए संविधान की प्रस्तावना के आधार पर इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि संविधान में एक व्यक्ति की निष्ठा को बनाए रखने एवं उन्हें गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार दिया गया है। और क्या कहा जिलाधिकारी ने, आपको सुनिए उन्हीं की जवानी। चूँकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था और इसीलिए आज के दिन और 70 साल आज पूरे हो गए, इसलिए आज संविधान दिवस के तौर पे हम उसे मना रहे हैं। और ये सिलसिला अब से लेके 14 अप्रैल तक जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है तब तक इस तरीके के कार्यक्रम चलते रहेंगे कि संविधान के बारे में लोगों को हम जागरूक करें, जानकारी दें। और ये बहुत ज़रूरी है, उसमें शासन आदेशों के क्रम में जो शासन के निर्देश प्राप्त थे उसके क्रम में जनपद में विभिन्न स्थलों पर इस तरीके के आयोजन किए गए हैं और यहाँ पे भी हमने बार के साथ मिल के यहाँ एक आयोजन किया जिसमें दोनों ही लोग जगह से आके अधिकारियों ने और बार के लोगों ने अपनी इसको सेलिब्रेट किया और अपने विचार रखे और ये सिलसिला लगातार जारी है।